हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आशु। आज हम बात करने वाले हैं दीनदयाल जन आवास योजना के अंडर आने वाले प्लॉट्स जीएलएस के, जो कि बाड़सा सेक्टर 9 में है। दिल्ली आप कह सकते हैं 0 किलोमीटर, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर आपका स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करता हूँ गुड़गांव की, सेक्टर 102 103 99 99 ए, ये भी आप 6 या 7 किलोमीटर की रेंज में कह सकते हो। तो 6 या 7 किलोमीटर की रेंज में आपको जो चीज मिलने वाली है 37,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, जो कि स्टार्टिंग प्राइस आप कह सकते हो 41 लैक्स। तो 41 लैक्स में आपको मिल रहा है 111 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, 111 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको मिल रहा है, जो कि आप देख ही रहोगे मेरे बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इस सोसाइटीज में आपको ग्रीन एरिया मिल रहा है, पार्क, कम्युनिटी हॉल भी मिल रहा है और कमर्शियल भी है। सो कहने का बस पॉइंट ये है कि आने वाला जो टाइम होगा वो तो अच्छा होगा ही, लेकिन आज के टाइम पे जो प्लॉट्स की वैल्यू आ रही है वो आपके सामने है। 41 लाख रुपए में आपको 111 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल रहा है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए। बाकी आइए एक बार देखते हैं कहां कहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और क्या इसकी अपडेट है। जीएलएस बाड़सा सेक्टर 9 की कमर्शियल साइड आपकी रहने वाली है, जहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखा है। बाकी ये आपकी एक्चुअल साइट है, ये आपकी रोड्स रहने वाली हैं। एक बार मैं भी आपको मैप के थ्रू एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा, टेंटेटिव आइडिया, जिससे कि आप आइडिया लगा सको कि कौन सा प्लॉट कहां पे रहने वाला है और क्या स्टार्टिंग साइज रहेगा इनका, और इस सोसाइटीज में जो इंटरनल रोड रहेंगी उनका क्या साइज रहेगा। एक बार आइए चलते हैं और एक बार नजर डालते हैं इसके मैप पे, एक बार जान लेते हैं इसके मैप को कि मैप के थ्रू हमारी जो इंटरनल रोड हैं वो कितनी रहने वाली हैं और जो प्लॉट के साइज हैं। एक बार बेहतर मुझे थोड़ा सा एक आइडिया देंगे इस रोड में कौन सा रोड रहने वाला है, कितना मीटर का? ये सर 24 मीटर का रोड होगा, जिससे अपनी एंट्री होगी सोसाइटी की। 24 मीटर रोड से एंट्री होगी और जितने भी प्लॉट के इंटरनल रोड है वो सारे 9 मीटर के हैं। ये अपना यहाँ से एंट्री होगी, ये अपना कॉमर्शियल हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, इससे आगे अपनी प्लॉटिंग आ जाती है सर। ठीक है, ये सारे रास्ते 9 मीटर के हैं, सारे जो भी दिख रहे हैं इधर। ये 1.5 एकड़ का अपना ग्रीन एरिया हो जाता है इसमें जी। इधर ये कम्युनिटी हॉल एंड बच्चों के लिए क्रैच। ठीक है, ठीक है। ये अपना एक पैच यहाँ से, ये 60 मीटर की प्रपोज रोड है यहाँ से जी जी, जो अपनी बैक साइड से अपनी सोसाइटी को एंट्रेंस होगी। अच्छा, तो वैसे जो आप इंटरनल रोड बता रहे हैं मीटर में, एक बार आप थोड़ा सा आइडिया बताएंगे कितने फीट का रोड होगा ये इंटरनल? ये 27 फीट के रोड रहेंगे सारे अंदर के। अच्छा, काफी अच्छी प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए कि 27 फीट का रोड रहने वाला आपका इंटरनल। जैसे कि बताया ग्रीनरी यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, एक बार प्लीज दोबारा से बताएंगे ग्रीनरी कहाँ पे रहने वाली है आपकी? ये ग्रीनरी रहेगी 1.5 एकड़ में अपनी। 1.5 एकड़ में ग्रीनरी रहने वाली है, जो कि किड्स के लिए, किड्स प्ले एरिया कह सकते हो, गार्डन कह सकते हो। और इसमें जो कम्युनिटी हॉल है वो कहाँ पे बता रहे हैं आप एक बार? ये पीछे रहेगा ये वाला, ये आपका कम्युनिटी हॉल रहने वाला है, जहाँ पे आपके लिए कुछ छोटे मोटे फंक्शन करना आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, दूसरा जो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कमर्शियल, वो आपका फ्रंट में रहने वाला है। राइट, तो आपका कमर्शियल भी है और इसमें आपका ग्रीनरी भी है, कम्युनिटी हॉल भी है और इसमें रोड्स की काफी अच्छी कनेक्टिविटी रहने वाली है। अब अगर हम जानते हैं जो स्टार्टिंग प्लॉट्स हैं वो कौन से साइज के हैं और कहाँ पे रहेंगे, भाई साहब थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। स्टार्टिंग प्लॉट जो आपके ब्लू कलर के हैं, ये वाले रहेंगे सर 167 के। ठीक है जी। ये रहेंगे 124 के। ठीक है जी। और ये प्लॉट्स रहेंगे अपने 111 के। अच्छा, ठीक है जी, 111 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं आपका सबसे छोटा। और सबसे बड़ा प्लॉट क्या रहेगा आपका? सबसे बड़ा रहेगा 167 का। 167 आपका सबसे बड़ा प्लॉट रहेगा और सबसे छोटा प्लॉट आपका रहेगा 111 स्क्वायर यार्ड का। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। और बाकी एक बार साइड पे देखते हैं साइड पे क्या क्या चल रहा है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम जान लेते हैं इस प्लॉट में आपके लिए क्या क्या प्लस पॉइंट है, इसको लेंगे तो आपके लिए क्या नियर बाय चीजें हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये तो आपकी साइड हो गई, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका 24 मीटर वाइड रोड हो गया। अभी सामने आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला आपका, ये एम्स हॉस्पिटल है जो कि आज की डेट में ऑपरेशनल है, और ये आपका कुछ अपार्टमेंट है। तो इन सब आइडिया लगा सकते हो, एम्स हॉस्पिटल आपका हार्डली
एक या 1.5 किलोमीटर कह सकते हो। तो आपका ये एम्स और ये आपकी साइट हो गई। दूसरा आपका जो प्लस पॉइंट रहने वाला है, यहां से इस साइड में आपकी है SGT यूनिवर्सिटी, जो कि आप यहां से कह सकते हो 2 और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में। अब आपका इस साइड हो गया आपका यूनिवर्सिटी, ये आपका हो गया एम्स, और इसके बैक साइड में है IIT बन रहा है, जो कि काफी बड़ा जो प्लान है इनका आने वाले टाइम में। तो IIT आपका एम्स, SGT यूनिवर्सिटी आपकी जो कि बैक साइड में है, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहने वाले हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपकी चीजें इजिली सेल आउट होना है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी अच्छी चीज है। अगर आप 40-1 लाख रुपए प्लान कर रहे हो कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस बजट को आप यहां लगाएं, जिससे कि पैसा आपका इजिली डबल होना है। स्टार्टिंग अगर मैं बात करता हूँ इस प्लॉट की, तो यहाँ पे पहले का जो रेट था और अब का रेट है, तो कम से कम 8-10 लाख रुपए का फर्क बैठा है। जिन लोगों ने पहले ले रखे हैं, तो उनको कम से कम 10 लाख रुपए की एप्रिसिएशन हो चुकी है 1 साल में। तो अभी भी आपके पास मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़ें, दिए गए नंबर पर कॉल करें, जिससे कि आपको हम ईजिली आपका प्लॉट दिलवा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।